जिस तरीके से देखा जाए पार्टी के भीतर लगातार अंदरूनी फूट या फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी ठीक चुनाव से पहले? फूट कोई नजर आई आपको? सब एक हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एक होकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी में कोई फूट नहीं है। नहीं देखिए, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है। नहीं, ये फूट का मतलब क्या होता है सर, आप खुद देखिए, मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा के खिलाफ बयान देते हैं, कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल देती हैं, कुछ विधायक कुमारी सैलजा के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, कुछ विधायक मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, और फूट किसको कहा जाता है? इसको आप विचारों का मतभेद कह सकते हैं जी। पार्टी एक है, सब पार्टी के अंदर है, पार्टी के बाहर कोई नहीं। नहीं, लेकिन ये जब इस तरीके की चीजें मीडिया में आ जाती हैं, लोगों के सामने जग जाहिर हो जाती है, मंचों के जरिए इस तरीके की अनाउंसमेंट, इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, तो उसको किस तरीके से देखा जाए? मैंने कहा ना, विचारों का मतभेद हो सकता है, मीडिया भी इसको सही ढंग से देखे कि जो विचारों में मतभेद है, लीडर लोग मिलके उसका सब समाधान करते हैं, पार्टी में फूट नहीं है जी। लेकिन किस तरीके से देखा जाए, एक पक्ष अब जो हाल ही में बयान दिया है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा को लेकर, उसको लेकर अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, कुछ लोग तो इस्तीफे तक की, आपके ही एमएलए इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। यही तो मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने किसका नाम लिया है? ये कहना कि घोड़े दो तरह के होते हैं, जी, जी, इससे जी। क्या पार्टी में फूट हो गई या किसी पे कोई एलिगेशन लग गई? किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि आप कुमारी सैलजा को अगर राज्यसभा के लिए भेजा गया तो आप किस तरीके से देखते हैं, फिर ये बयान आना, तो इनको आपस में जोड़कर क्यों ना देखा जाए? कोई आपस में मतभेद नहीं है, पार्टी हाईकमांड का जो निर्णय हुआ है उस पे उनको राज्यसभा में भेज दिया गया है। नहीं, मतभेद की बात तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका फर्ज भी बनता है, आप पार्टी के उस पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे ये भी निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे, कल को यही नेता हैं जो एक नाम को लेकर आगे जनता के बीच में जाएंगे, इन लोगों को ये बताना होगा जो आपके एमएलए हैं या फिर एमएलए के दावेदार हैं, इन लोगों को जनता को बताना होगा कि आप हमें वोट दीजिए, अगर हमें वोट देंगे तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आप देखिए कि कुमारी सैलजा के पक्ष में जो एमएलए हैं वो जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या वो ये कहेंगे कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आप हमें वोट देंगे तो? ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें जो भी जाएंगे सब कहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दीजिए, इसी तरह असेंबली में जब जाएंगे तब भी यही बात करेंगे जी, ऐसी तरह वोट नहीं मांगी जाती जैसे आप कह रहे हैं। नहीं फूलचंद मुलाना जी, लेकिन आप लोगों की तरफ से तो पहले से ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम एक बार फिर आगे कर दिया गया, हम हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपसे। तो उसमें किसी को क्या एतराज है, पार्टी का लीडर कोई भी हो सकता है, किसी गुणाधार के ऊपर लीडर का नाम लिया जाता है जी, ऐसे थोड़ी किसी का नाम लिया जाता है। तो मुलाना साहब, अब ये हम लोग मान के चले कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय दावेदार नहीं है अगले सीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की ओर से, असेंबली का चुनाव आने दीजिए, हमारी पार्टी की प्रथा यह है कि पहले से कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जी, डिक्टेटरशिप पार्टी वाली नहीं है कि फला उम्मीदवार प्रधानमंत्री होगा, फला मुख्यमंत्री होगा, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। नहीं, एक बार ये अपने मुंह से आप अगर कह दे तो फिर ये वो नहीं रहेगा कि हमने अपनी तरफ से कहा है कि अगले सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अभी तय नहीं है। अरे देखिए, लीडरशिप में आप लोग क्यों नहीं समझते ये बात, मीडिया वाले साथियों, कि राजनीतिक तौर पे राजनीतिक पार्टियों के प्रचार तंत्र किस प्रकार चलते हैं, मुख्यमंत्री का फैसला मेजोरिटी में आने के बाद विधायक करते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर का फैसला मेजोरिटी में आने के बाद एमपी करते हैं जी। सर आपसे आखिरी सवाल ये कि जो चलो थैंक यू वेरी मच सर, आखिरी सवाल आपसे